गौरक्षा का संदेश लेकर भारत भ्रमण पर निकला राजस्थान का सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवराज सिंह शेखावत शनिवार को हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के उपमंडल अंब में पहुंच गया। अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए शिवराज ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा दिसंबर 21 में तमिलनाडु के रामेश्वर से शुरू की है। 3 साल तक चलने वाली इस यात्रा में वो अपने आने वाले दिसंबर के पहले सप्ताह में माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि वो हर रोज 25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। उनका खाने पीने व रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, इसके लिए वो पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहे हैं। शेखावत ने बताया कि इस यात्रा की प्रेरणा उन्हें हिंदू धर्म के अलग अलग मंदिरों से मिली। उन्होंने कहा कि जब भी वो मंदिर में जाते थे तब अक्सर सोचते थे कि भगवान किसकी पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बीच इस बात का आभास हुआ कि चाहे भगवान राम थे, चाहे कृष्ण या फिर खाटू श्याम, ये सब गौ माता की पूजा करते थे। ऐसे में गौ माता के संरक्षण के लिए ही उन्होंने अपने भारत भ्रमण यात्रा को शुरू किया। वो अभी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड सहित कई राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने के बाद वो उत्तर भारत के अन्य राज्यों की यात्रा करेंगे। जय गौ माता दी। मैं शिवराज सिंह शेखावत जयपुर राजस्थान से, और अभी मैं पैदल आ रहा हूँ रामेश्वरम तमिलनाडु से। 11 दिसंबर 2021 को यात्रा प्रारंभ की रामेश्वरम तमिलनाडु से, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड होते हुए अब हिमाचल वैष्णो देवी के दर्शन करने। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो पूरे भारत में, इसके लिए ये पैदल यात्रा है। और ये यात्रा करीबन 2.5 से 3 साल तक चलेगी। अभी दिसंबर 1st वीक में वैष्णो देवी दर्शन करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, इस साइड में यात्रा का प्रस्थान होगा। आप ऐसे करते क्या हैं जी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और जब से यात्रा स्टार्ट की है जॉब वगैरह सब छोड़ दी है। आपको ये प्रेरणा किस चीज़ से मिली? ये प्रेरणा ईश्वर की कृपा से मिली है, क्योंकि जब कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मन में एक सवाल पैदा होता था कि हम कृष्ण भगवान को पूछते हैं, वो भी तो किसको पूछते होंगे। मन में सवाल आया वो गौ प्रेमी थे, वो गौ माता की पूजा करते थे। जब राम जी के मंदिर में जाते हैं तो सेम सवाल पैदा होता है कि राम जी को हम पूछते हैं तो राम जी भी किसको पूछते हैं, तो राम जी भी गौ पालक थे। जब हम खाटू श्याम जी को पूछते हैं, श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं, तब भी वही सवाल मन में उत्पन्न होता है कि हम श्याम बाबा को पूछ रहे हैं, वो भी किसी को पूछते होंगे। जब पता चला कि गौ माता है जो श्याम बाबा को प्रति उन्होंने, तो सभी देवी देवता जब गौ माता को पूछते हैं तो हम उनकी सेवा करना चाहिए, और हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द गौ हत्या पर पूरे भारत में रोक लगे और गौ माता को उचित व्यवस्था मिले, वो सड़कों पे भटके ना, उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था। एक दिन में कितना सफर कर लेती है? 25 से 30। तो फिर रहने का, खाने का खर्चा बर्चा सब उनकी कृपा से चलता रहता है। अच्छा। कोई टेंशन नहीं, अपने आप व्यवस्था जाती है। तो आपके घर में अच्छा, तो उनसे टच में रहते हैं? हाँ। धन्यवाद जी। अम्ब से परीक्षित सेखड़ी की रिपोर्ट।